तो भाई इतना ब्यूटीफुल ये ट्रेन है, लेकिन भाई पूरा पैसा वसूल। ऐसे लग रहा है कि डिज्नीलैंड में मैं घूम रहा हूँ। फेरी फ्लॉस इज वेरी लाइक ए कॉटन, तो कुछ इस तरह का होता है भाई लूना पार्क। भाई आप जब मेलबर्न में विजिट करते हो ना, तो यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है सेंट किल्डा बीच, और वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है गाइस। और आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो, ये पाइन का ट्री वगैरह है, और हमारे पीछे ये जो है ना लूना पार्क है। लूना पार्क जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये एक तरह से फन पार्क होता है, जिसमें तमाम तरह का झूला वगैरह होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो चलिए उसी का हम टूर कराते हैं आपको, और दिखाते हैं कि भाई यहाँ मेलबर्न में आप क्या क्या विजिट कर सकते हैं। तो गाइस हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो, ये लूना पार्क है मेलबर्न में, और इस प्लेस को बोलते हैं सेंट किल्डा बीच, जो कि मेलबर्न सिटी सेंटर से लगभग 15-20 मिनट की दूरी पे है। और यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से ट्रैम से आ सकते हो, और ट्रैम जो है कि सबसे चीपेस्ट वे होता है यहाँ मेलबर्न में ट्रैवलिंग करने का। तो चलिए मैं इस लूना पार्क के अंदर ले चलता हूँ, और आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह का फ़न एक्टिविटी वगैरह आप लूना पार्क में कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का होता है भाई लूना पार्क, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही फेमस पार्क होता है ये गाइस। तो अंदर ले चलते हैं आप लोगों को, और दिखाते हैं कि भाई यहाँ टिकट का प्राइस वगैरह क्या है, और उसके बाद जो है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का एंट्री होता है गाइस यहाँ पे, देखो जैसे डिज्नीलैंड जैसा फील होता है यहाँ पे, और ये टिकट काउंटर ऐसे लगे होते हैं यहाँ पे। तो भाई इसमें मैंने टिकट ख़रीदा है, जो कि मुझे $55 का मिला है, और इस $55 में आप अनलिमिटेड राइड कर सकते हो, जैसे कि ट्रेन हो गया, झूला हो गया, स्विंग हो गया, तरह तरह का एक्टिविटी आप कर सकते हो। और भाई एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा फन पार्क है, देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं बच्चे सारे। और तो देखो भाई कुछ इस तरह से ये बोट है, और इसका राइड सारे बच्चे और बड़े लोग कर रहे हैं, और भरपूर इंजॉय कर रहे हैं गाइस। और ये देखो जैसे लग रहा है कि डिज्नीलैंड में मैं घूम रहा हूँ। पीछे का नज़ारा देखो गाइस, इसका टिकट है मेरा ये, और उधर देखो ट्रेन की राइड भी कर रहे हैं लोग बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हॉर्स राइडिंग वगैरह सब है गाइस यहाँ पे। देखो कितना लोग इंजॉय कर रहे हैं, और इस पे बड़े और बच्चे सारे लोग जा सकते हैं। भाई इस प्लेस को विजिट करने के लिए लगभग आपका 2,500 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन भाई पूरा पैसा वसूल। तो आप कभी भी मेलबर्न आओ तो लूना पार्क में आ सकते हो, और कुछ इस तरह का आप इंजॉय कर सकते हो फुल फन। तो देखो भाई कितना खूबसूरत ये ब्यूटीफुल ट्रेन राइड ये सारे बच्चे कर रहे हैं, और ये इसका बोगी इतना सुंदर लग रहा है ना गाइस, कि बच्चे बिल्कुल खुश हो जा रहे हैं। तो भाई इतना ब्यूटीफुल ये ट्रेन है, जो कि आप लोग देख सकते हो, और ये सब कुछ आप लोग अनलिमिटेड कर सकते हो ओनली 2,500 इंडियन रुपीज़ में। और सामने भाई कुछ लोग जो है कि रूफ टॉप पे ट्रेन राइड का एंजॉय कर रहे हैं, देखो थोड़ा और बड़ा करते हैं, आप लोग देख सकते हो गाइस,
तो भाई देखो कुछ इस तरह का ये ट्रेन का राइड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप $55 का टिकट लेकर आते हो इसके अंदर, तो जितने सारे भी राइड और एक्टिविटीज है इसमें आप अनलिमिटेड कर सकते हो। और स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, तो लूना पार्क इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट इन मेलबर्न। तो गाइस इस प्लेस को विज़िट करके ना मुझे सिंगापुर में जो मैंने यूनिवर्सल स्टूडियो को विज़िट किया था, मुझे उससे सिमिलर लग रहा है। क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे है इस लूना पार्क में, ऐसा ही एक्टिविटी आपको यूनिवर्सल स्टूडियो में मिलता है। रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और बिल्कुल ही सेफ प्लेस है। चाहे आप खुद आओ या बच्चों के साथ आओ, मस्त प्लेस है विजिट करने के लिए। व्हाट इज़ दिस वन? व्हाट इज लाइक ए कॉटन? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वन? फेरी फ्लॉस इज वेरी लाइक ए कॉटन। पार्क में मैं इस लड़की से मिला हूँ। व्हाट्स योर नेम? जेस। जेस, नाइस टू मीट यू जेस। डिड यू गाइस एंजॉय दिस लूना पार्क? Yeah. How often you guys go here? Oh, not that often. I haven't been for a while. Yeah, we haven't been for a while either. Okay, so this, is there anything else like this in Melbourne to have a lot of fun, go with a friend or family? I think Royal Melbourne Show that's on now. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. भाई ये सामने एकदम बिल्कुल बल्ब की तरह ये राइड है बच्चों के लिए, और बड़े भी इसमें बैठे हुए हैं, मैं वहाँ पे देख सकता हूँ। और कुछ इस तरह का ये लूना पार्क है गाइस, जहाँ पे तमाम तरह की एक्टिविटीज है। और लूना पार्क के ठीक सामने एक थिएटर भी है, जो कि आप लोग सामने ही देख सकते हो। और कुछ इस तरह का मूवी थिएटर होता है मेलबर्न में, और देखने में ये बहुत यूनिक सा लग रहा है गाइस। जैसे कि अपने इंडिया में 90s में थिएटर होता था, कुछ उस तरह का ये सिनेमा थिएटर लग रहा है। तो गाइस आप लोग बताइएगा, ये लूना पार्क का जो मैंने टूर कराया आप लोगों को, वो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो भाई ये हमारी ट्रैम आ गई है, और इस माइक कार्ड का यूज़ करके आप बिल्कुल सस्ते में मेलबर्न में इस ट्रैम का सफ़र कर सकते हो। तो देखो अभी मैं इंटर होऊंगा, और इस माइक कार्ड का बस यहाँ पे आपको टच करना होता है ऐसे, उसके बाद भाई आप जर्नी कर सकते हो, और उतरने के बाद आपको इसे टच नहीं करना पड़ता है। तो गाइस कुछ इस तरह का यहाँ मेलबर्न में ट्रैम होता है, जो कि चीप एंड बेस्ट होता है ट्रैवलिंग के लिए मेलबर्न में। ये फ्री वाला ट्रैम नहीं है, इसमें आपको ये माइक कार्ड जो होता है यूज़ करना पड़ता है। तो चलो गाइस अभी होटल जाने का टाइम है। तो भाई अभी मैं हूँ साउदर्न ट्रेन स्टेशन के पास, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन है, इसको बोलते हैं साउदर्न स्टेशन। और ये जो मेलबर्न का एक तरीके से मानो तो मेन सिटी पॉइंट भी है, और कुछ इस तरह का नज़ारा है हमारे चारों तरफ का, आप लोग देख सकते हो गाइस। बहुत ही मस्त सिटी है गाइस, ट्रेम वगैरह टैक्सी वगैरह मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ विजिट करने के लिए।